क्वेश्चन नंबर 4 रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। रूट 9.3 को नंबर लाइन पर दर्शाना है, इसके लिए हम सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ए बी 9.3 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे, फिर इसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा देंगे और उसका नाम पॉइंट सी रख देंगे। ए सी को डायमीटर मान करके एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे, इसका नाम ए रख दिया और ए बी रख दिया। ये 9.3 है सेंटीमीटर। अब इसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया, इस पॉइंट का नाम रखा सी। अब ए सी डायमीटर मान करके एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे, इसके ये आधा है, आधा से कुछ ज्यादा लेकर के आर्क ड्रा करना है, फिर यही रेडियस लेकर के इन दोनों आर्क को काटना है। ये पॉइंट हो जाएगा ओ। अब टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ एज रेडियस ड्रा ए सेमी सर्कल। ड्रा बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ये पॉइंट डी है, टेकिंग बी एज सेंटर एंड बी डी एज रेडियस ड्रा एन आर्क। आर्क ड्रा किया, ये आर्क जहां पर लाइन को काटता है, इंटरसेक्ट करता है, उसका नाम रखा ई। इसी पॉइंट पर रूट 9.3 रिप्रेजेंट होगा। अगर बी को ओरिजिन मानेंगे तो बी को ओरिजिन माना, एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट लगाना है। बी डी रूट 9.3 आएगा, इसको प्रूफ भी करेंगे और बी डी इज इक्वल टू बी ई रेडियस एम सेम सर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, इसलिए बी ई रूट 9.3 हो जाएगा। नंबर 1 ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी 9.3 सेंटीमीटर। फोर्थ पॉइंट ई रिप्रेजेंट रूट 9.3। बी रूट 9.3 किस प्रकार होगा इसको हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए ओ डी को ज्वाइन करेंगे, ए बी इज इक्वल टू 9.3 लेट ए बी इज इक्वल टू
9.3 is equal to x. Then diameter of semicircle AC is equal to 2AB + BC. Is equal to AB is x, BC is 1 centimeter. BC 1 centimeter. One. Radius is equal to half of diameter. OB is equal to OC minus BC. In right angle OBD by Pythagoras theorem. Perpendicular BD square equal to hypotenuse OD square minus base OB square. Is equal to OD is x plus 1 by 2. OB x minus 1 by 2 whole square. ये वाला टर्म एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर माइनस के कारण यह सब का साइन चेंज हो जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर कैंसिल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, टू एक्स प्लस टू एक्स फोर एक्स बाई फोर. बी डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स और बी डी इज इक्वल टू रूट एक्स. नाउ बी डी इज इक्वल टू बी ई रेडियस ऑफ सेम सर्कल. क्वेश्चन नंबर 5. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग. इनके डिनोमिनेटर्स को रैशनल नंबर बनाकर लिखना है, यानी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए. रूट हटाने के लिए रूट 7 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. नंबर 2, 1 बाय रूट 7 माइनस रूट 6. रूट 7 माइनस रूट 6 का रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट 7 प्लस रूट 6 होगा. रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालने के लिए सेकेंड टर्म का साइन चेंज करना है केवल. माइनस है तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस. मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट 7 प्लस रूट 6. वन बाय रूट 7 माइनस रूट 6.
into root 7 plus root 6. Root 7 plus root 6 1 simplified का उतना ही रहेगा और ये a plus b into a minus b formula से root 7 square माना root 6 square हो जाएगा। नंबर 4, 1 बाय रूट 7 माइनस रूट 2, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 7 माइनस 2 इज रूट 7 प्लस रूट 2। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। नंबर 3, 1 बाय रूट 5 प्लस रूट 2, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 5 प्लस रूट 2 इज रूट 5 माइनस रूट 2, देयर फोर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट 5 माइनस रूट 2। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर।